त्रिपुर जिले की निवासी तैमल जी एक नारियल विक्रेता है जिन्होंने समाज की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान दिया। अपनी वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक स्थानीय स्कूल के बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए अपनी बचत के 1,00,000 रुपए दान कर दिए हैं। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सेवा भाव चाहिए। इस तरह के कई प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विद्यांजलि एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय की एक पहल सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसका उद्देश्य देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना उन लोगों को एक साथ लाने के लिए की गई है जो उन स्कूलों में स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। ये स्वयं सेवक बच्चों के साथ संरक्षक, विश्वास पात्र और संचारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से 1,12,633 स्कूलों और 11,324 बच्चों को लाभ हुआ है। साथ ही 15,647 स्वयं सेवक इस पहल से जुड़ चुके हैं। यह संबंधित व्यक्तियों या संगठनों को स्कूलों में योगदान के रूप में संपत्ति, सामग्री या उपकरण दान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जय चौधरी का भी जिक्र किया जिन्होंने IIT BHU फाउंडेशन में लगभग 7.5 करोड़ का दान दिया जिससे कि देश में बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आइए इस पहल में शामिल होने का संकल्प लें और पास के एक ऐसे स्कूल की पहचान करें जिसे आपकी जरूरत हो और वहां पढ़ाने या उनकी किसी भी तरह की आवश्यकता को पूरा करने में अपना योगदान दें।